नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। अगले कुछ दिनों में बरस सकते हैं बदरा। प्रदेशवासियों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में 13 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ की आहट राहत दे सकता है। हालांकि अभी मौसम विभाग 13 अप्रैल तक तापमान में वृद्धि की संभावना जाहिर की है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। लोगों को नहीं चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103.73 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 97.34 रुपए। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102.80 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 96.49 रुपए। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103.13 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 96.82 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102.92 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 96.62 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। दोनों नेता इस दौरान मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने के साथ ही दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत के हालिया घटनाक्रम और पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस ऑनलाइन बैठक के बारे में जानकारी दी है। बाबा बर्फानी के लिए रजिस्ट्रेशन। बाबा अमरनाथ के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। पिछले 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन आज यानी 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ट्वीट कर बताया कि सभी भक्तों और इच्छुक यात्री अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से करवा सकते हैं। पवित्र अमरनाथ की यात्रा 30 जून से आरंभ होगी। 43 दिनों तक चलने वाली यात्रा का समापन 11 अगस्त 2022 को होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा करेंगे नए मंत्रिमंडल का गठन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी आज अपने मंत्रिमंडल का दोबारा गठन करेंगे। दोबारा गठित होने वाले मंत्रिमंडल के कम से कम 11 वैसे पूर्व मंत्री भी शामिल होंगे जिन्होंने 7 अप्रैल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पुनर्गठित मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरे होंगे जिसमें फिल्म कलाकार RK रोजा भी शामिल होने की संभावना है। 23वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में दोपहर 12 बजे उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के एकादश अधिवेशन में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे रुद्रपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री 23वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले को लेकर गोदियाल का हल्ला बोल। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड सहकारिता बैंक की बैंक भर्ती में हुई धांधली की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय गेट के सामने धरना देंगे। गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के युवाओं से भी धरना में शामिल होने की अपील की है। हल्द्वानी नगर निगम चलाएगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। हल्द्वानी में नगर निगम आज यानी 11 अप्रैल को तिकोनिया से वर्कशॉप लाइन, रेलवे बाजार और तिरंगा चौक से चोर गलियां रेलवे क्रॉसिंग तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के मुताबिक लाइन नंबर 1 से रेलवे फाटक तक सड़क चौड़ीकरण का सर्वे पूर्ण में हो चुका है। इस सीमा में आने वाले बगैर मालिकाना हक और बिना नक्शा पास कराए हुए निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। गोपीनाथ मंदिर में आज होगी पंडा पुरोहितों की महापंचायत। चमोली जनपद के चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर और धर्मशालाओं के कपाट मन बड़ों ने तोड़ दिए हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, जिससे नाराज पंडा पुरोहितों और हकूकधारियों ने आज गोपीनाथ मंदिर परिसर में महापंचायत का ऐलान किया है। मोदी के रहते भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीएकी की राजनीति अस्थिरता पर भी बोले रामदेव। हरिद्वार में मोरारी बाबू की रामकथा के समापन समारोह में बाबा रामदेव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत अच्छा देश नहीं है। पीएम मोदी के रहते भारत को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं यूक्रेन रूस वॉर पर उन्होंने कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, उम्मीद है कि जल्द शांति होगी। सीएम धामी ने माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा जनापेक्षाओं के अनुरूप होंगे काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वादे के अनुसार हमारी सरकार के अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि न्यायविदों, सेनानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। पैदल रास्ता नाप तिब्बत को दुनिया के नक्शे पर लाए थे नैन सिंह। राज्यपाल ने वंशज को किया सम्मानित। राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिवस के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के रहने वाले महान सर्वेक्षक पंडित नैन सिंह रावत की 5वीं पीढ़ी की कमला रावत को सम्मानित किया। कमला रावत नैन सिंह रावत की प्रपौत्र बहू है। राज्यपाल ने कहा कि सर्वेक्षक नैन सिंह रावत के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अतिक्रमण पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की 2 टूक, प्रशासन कार्रवाई करे सरकार देगी साथ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य में सरकार प्रशासन के साथ खड़ी है। श्रीनगर को अतिक्रमण मुक्त करना और साफ सुंदर शहर बनाना उनकी प्राथमिकताओं में है। शारदा सागर डैम का पानी घुसने से दर्जन भर गांव जलमग्न, दाने दाने के लिए मोहताज ग्रामीण।
उधम सिंह नगर के खटीमा में शारदा सागर डैम का पानी घुसने से दर्जन भर गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव में डैम का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। घरों का पूरा सामान जलमग्न हो गया है। चमोली के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू, लापरवाही बरतने वाले होंगे सस्पेंड। नंदानगर ब्लॉक के लाखी गांव के नखुना और कोपटरा के जंगल में दो दिन से लगी आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि देर शाम तक भी वन विभाग की टीम क्षेत्र में नहीं पहुंची है। वहीं डीएफओ का कहना है कि लापरवाही बरतने वाले वन अधिकारी और कर्मचारी को निलंबित किया जाएगा। गदरपुर में जय भवानी अस्पताल का काम शुरू, अरविंद पांडे ने किया शिलान्यास। गदरपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने जय भवानी अस्पताल का शिलान्यास किया। इस अस्पताल को बनने में 2 वर्ष का समय लगेगा। ये अस्पताल ट्रस्ट के रूप में संचालित होगा। टनकपुर, रैश ड्राइविंग के खिलाफ ग्रामीणों ने किया पूर्णागिरी मार्ग जाम, घंटों फंसे रहे यात्री। टनकपुर में पूर्णागिरी मार्ग पर नया गोट एवं भोरा गोट के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर ओवर स्पीड ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवरलोडिंग पर रोक लगाए जाने की मांग की। साथ ही शनिवार को हादसे में मारे गए युवकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी रखी। लक्सर, महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रशासन फरार। लक्सर के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। परिजनों का हंगामा देख अस्पताल प्रशासन और स्टाफ ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। एम्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी 25 लाख आरोपी मुरादाबाद से गिरफ्तार। मोहम्मद यूसुफ ने सोनल, संध्या व कविता को एम्स में नर्सिंग अफसर के पद पर तैनाती का झांसा दिया। आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर यूसुफ ने 25 लाख रुपए ठग लिए। वही ठगी का एहसास होने पर एक महिला ने पति के जरिए पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर यशपाल आर्य ने आला कमान का जताया आभार, कहा जन मुद्दों को लेकर सदन में बनेंगे जनता की आवाज। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर आला कमान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड में जनता की आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बीजेपी में गुटबाजी, हरिद्वार में सीएम धामी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे मदन कौशिक, पार्टी बोली महज संयोग। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार और भाजपा संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सीएम धामी और आला कमान से नाराज चल रहे हैं। यही कारण है कि सीएम धामी के हरिद्वार कार्यक्रम के दौरान मदन कौशिक नदारद हैं। उत्तरकाशी के वरुणावत जंगल में लगी भीषण आग, लाचार दिखा वन महकमा। फायर सीजन में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक बड़ाहट व मुखेम रेंज के जंगल बीती देर शाम आग लगने से धधक रहे हैं। जंगलों में लगी आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। वहीं वन महकमे की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। काशीपुर में आग लगने से 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख, ग्रामीणों ने एसडीओ को बनाया बंधक। काशीपुर में बिजली की लाइन से उठी चिंगारी के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते करीब 2 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ रोष देखने को मिला। वहीं मौके पर बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। एचएनबी विश्वविद्यालय में पारंपरिक चाती गायन की रही धूम, लोक संस्कृति के संरक्षण पर दिया जोर। एचएनबी यूनिवर्सिटी के लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र में पारंपरिक शैलियों पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता में श्रीनगर समेत आसपास के क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। छात्रों के पारंपरिक गीतों पर लोग जमकर झूमते नजर आए। ड्रीम इलेवन से मिले प्राइस की रकम पर थी ठगों की नजर, पुलिस ने मनसूबों पर फेरा पानी। साइबर अपराधी नए नए तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसी के तहत नैनीताल साइबर सेल टीम ने साइबर अपराधियों के चुंगल में फंसे 10,53,578 रुपए रिकवर कर पीड़ित को लौटाए। वहीं पीड़ित ने पैसे मिलने पर नैनीताल पुलिस का धन्यवाद किया। वहीं पुलिस ने लोगों को बढ़ते साइबर अपराध से सचेत रहने की अपील की है। लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना, सिर्फ यादों में रह जाएगा लोहारी गाँव, विकास के आगे हारे ग्रामीण। प्रशासन ने लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विकास नगर के लोहारी गांव को खाली करवा दिया है। इस गांव में 90 परिवार रहते थे, जो अपने पैतृक गांव को छोड़ने के बाद बेहद ही परेशान है। अब ये गांव जलमग्न हो जाएगा। लोहारी गांव के 90 परिवारों को गांव खाली करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। प्रशासन की इस लाल फीताशाही के कारण अपने गांव को छोड़ने का दर्द यहां के वंचितों के चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। वहीं लोहारी गांव की समस्या को लेकर प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात की और लखवाड़ व्यासी परियोजना को लेकर लोहारी के लोगों के विस्थापन के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है। किशोरी से छेड़छाड़ और फोटो वायरल करने को लेकर हंगामा, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। लड़की से छेड़छाड़ और सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित के परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर चौकी में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में गृह कलेश के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि घटना के बाद दादी पोते को लेकर फरार हो गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।